मैं दोस्तों आज का ये वीडियो जो है काठमांडू से शुरू कर रहा हूँ और ये दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए होटल शुभ लक्ष्मी है ना, ये देख सकते हैं ये वाला। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये है बेड सीट डबल बेड, और अभी मैं सामान लेके जो आया हूँ यहाँ पे रखा हुआ है। और वाशरूम दिखा देता हूँ, ये देखिए ये रहा वाशरूम। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ इस होटल के सबसे टॉप फ्लोर पे, और यहाँ पर दोस्तों सामने का व्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का पहाड़ का पूरा पहाड़ है। उस तरफ जो है एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट के बगल में यहाँ पे देखेंगे तो ये रूम रहा, और उसके बगल में यहाँ से आपको जो है सामने की तरफ दिख रहा होगा पशुपतिनाथ मंदिर है, तो इस रास्ते से होके जाती है। होटल और टैक्सी वाले का सेटिंग रहता है। अब मैं आपको बता देता हूँ मैं जो आपको होटल का रूम दिखाया वो कितने का है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो जो है काठमांडू से शुरू कर रहा हूँ, और मैं काठमांडू पहुँच चुका हूँ। और काठमांडू पहुँचने के बाद सबसे पहला काम जो है होटल ढूंढना रहता है, तो मैं होटल जो है ढूंढ लिया हूँ। ये देख सकते हैं होटल शुभ लक्ष्मी है, अभी अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे टॉप वाले फ्लोर पे रूम लिया, और ये जो होटल है ना मैं आपको सामने से थोड़ा दिखा देने की कोशिश करता हूँ। ये दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए होटल शुभ लक्ष्मी है ना, ये देख सकते हैं ये वाला। ये एयरपोर्ट से सिर्फ जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस होटल से दोस्तों पशुपतिनाथ जो है वो यहाँ से नज़र आता है ऊपर से। मैं आपको ऊपर जो है पहले अपना रूम दिखा देता हूँ। बाकी दोस्तों अगर आपको आना हो काठमांडू, तो काठमांडू एयरपोर्ट से यहाँ जो होटल शुभ लक्ष्मी है यहाँ पा सकते हैं। और प्राइस के बारे में बता देता हूँ कितना प्राइस लगा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये है बेड सीट डबल बेड, और अभी मैं सामान लेके जो आया हूँ यहाँ पे रखा हुआ है। और ये गेट आपको दिख रहा होगा, टॉप फ्लोर पे लिया हूँ रूम। और यहाँ पर दोस्तों LED लगा हुआ है, TV है, लैंप बल्ब पंखा है, AC का तो कोई काम ही नहीं है भाई साहब। इधर बारिश हो रही है, अभी ठंडा भी पड़ रहा है। और ये देखिए कुछ इस तरीके का बेड आपको नज़र आएगा, और सामने इस तरफ ये एक बालकनी है, ये बालकनी है। और वाशरूम दिखा देता हूँ, ये देखिए ये रहा वाशरूम, ये वाशरूम रहा, दिख रहा आपको। ये दोस्तों देख सकते हैं ये वाशरूम है कुछ इस तरीके का। और बाकी ये देखिए ये है कुछ इस तरीके का रूम। ऊपर दिखा देता हूँ आपको, ऐसा दिखता है मतलब ठीक ठाक है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ इस होटल के सबसे टॉप फ्लोर पे, और यहाँ पर दोस्तों सामने का व्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का पहाड़ का पूरा पहाड़ है। उस तरफ जो है एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट के बगल में यहाँ पे देखेंगे तो ये रूम रहा, और उसके बगल में यहाँ से आपको जो है सामने की तरफ दिख रहा होगा पशुपतिनाथ मंदिर है, तो इस रास्ते से होके जाती है। ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से अगर बात करेंगे तो 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ता है पशुपतिनाथ मंदिर। और बाकी सामने का व्यू कुछ इस तरीके का है, मैं उधर से होके आया हूँ, एयरपोर्ट वहाँ पर है। बाकी दोस्तों पहाड़ जो है पूरा पहाड़ी पहाड़ आपको जो है सामने जो है नज़र आएगा, बहुत ही अच्छा व्यू है। काठमांडू घूमने और नेपाल घूमने का एक अलग ही मज़ा है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा जो है लोकेशन है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि नेपाल के काठमांडू में 24 घंटे यानी कि एक रात गुजारने का जो है वो कितना रहता है एक रूम का प्राइस। तो दोस्तों मैं आपको जो रूम दिखाया था ना, वो रूम अगर बात करेंगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ गया है। और आपको भी ध्यान रखना है, जब भी आप काठमांडू या नेपाल आए ना, तो जो टैक्सी वाला है ना उसको आप बोलेंगे ना कि होटल छोड़ दो, तो वो उसको मत बोलिएगा। मेरी गलती थी, मैं एयरपोर्ट से उतरा और मैं उसको बोला भाई होटल छोड़ दो, तो उन होटल और टैक्सी वाले का सेटिंग रहता है। इस वजह से मेरा जो है होटल का रूम का जो है कुछ ज़्यादा ही प्राइस हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ मैं जो आपको होटल का रूम दिखाया वो कितने का है। तो दोस्तों मुझे जो है डबल बेडरूम वाला अटैच वाशरूम वाला जो रूम है वो इंडियन में बात करेंगे तो दोस्तों इंडियन में मुझे वो रूम जो है 1000 रुपये का पड़ा, और नेपाली में 1600 रुपये का 24 आवर्स का मिलेगा रूम, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपको रूम लेना है काठमांडू या नेपाल के किसी भी लोकेशन पे, तो आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए आपका जो रूम है ना वो तीन, यहाँ पे काठमांडू में नेपाल में 3-4 टाइप के रूम मिलते हैं। पहले दोस्तों आपको मिलेगा एक लॉज टाइप का, लॉज में रहेगा क्या, बेड के ऊपर बेड रहेगा, और एक रूम में शायद 4 बंदे 3 बंदे 2 बंदे भी रह सकते हैं, बाकी वाशरूम बाहर होगा। अब दोस्तों एक इस टाइप का रूम मिल जाता है जिसमें आपको जो है अटैच वाशरूम नहीं रहेगा, ठीक है, सिंगल बेड रहेगा, अटैच वाशरूम नहीं रहेगा। अगर डबल बेड भी रहेगा तो उसमें अटैच वाशरूम जो है वो नहीं रहने वाला है। तो ये सब जो रूम है ना दोस्तों, ये सब रूम का स्टार्टिंग प्राइस वो इंडियन रुपीज़ की बात करेंगे तो वो 300-400-500 से स्टार्टिंग हो जाता है। तो जब भी आप काठमांडू आए ना, तो आपको क्या करना, एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको किसी से नहीं पूछना है कि भाई होटल ले चलो या यहाँ ले चलो, आपको क्या करना है खुद मतलब पहले जो है घूमना है और देखना है 4-5 होटल में पूछ के, और फिर आपको जो कोई एक होटल डिसाइड करना है। अगर दोस्तों मेरी तरफ एयरपोर्ट पे ही ऑटो वाले को बोलेंगे कि भाई होटल ले चलो, तो फिर मैं जिस तरीके का बकरा बना हूँ आप भी बकरा बन जाएगा और पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो मेरा ये रूम का दोस्तों वो 1500 रुपया पड़ गया मुझे, 1600 रुपया समझिए नेपाली में, और इंडियन में बात करेंगे तो 1000 रुपये का
एक रात का रहा, मतलब पूरे आप 24 घंटे के लिए। बाकी दोस्तों अगर आपको काठमांडू में या पूरे नेपाल में कहीं भी रूम चाहिए तो आपको खुद से पता करना है घूम घूम के, और फिर आपको जो नॉर्मली जो होटल का जो प्राइस है ना वो 300-400 से स्टार्ट हो जाता है, और अच्छा रूम चाहिए तो आपको इंडियन में दोस्तों 1500 के आसपास जो है मिल जाता है। बाकी दोस्तों देखिए जो भी एयरपोर्ट है ना उसके आसपास का लोकेशन पे अगर आप होटल लेते हैं तो आपको होटल जो है महंगा ही मिलेगा। मेरा जो होटल है ना वो एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे है और पशुपतिनाथ मंदिर 1 किलोमीटर है, इस वजह से दोस्तों मुझे जो है प्राइस थोड़ा ज़्यादा आ गया। बाकी दोस्तों होटल अगर लेना है तो आपको 1, 2, 4, 5 होटल जाके पता करना है, फिर जाके कोई एक होटल डिसाइड कीजिए तो अच्छा रहेगा व्यू। आपको जो अच्छा सा अच्छे प्राइस में जो है कम दामों में जो है होटल काठमांडू या नेपाल में जो है वो मिल जाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।